बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपसे शेयर करेंगे तलबीना की रेसिपी। तलबीना, जौ और दूध के साथ बनाने वाली खीर को तलबीना कहते हैं। ये तिब्बे नबवी की रेसिपी है। तिब्बे नबवी यानी हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई रेमेडी या रेसिपी को कहते हैं। और आपने जो रेमेडी या रेसिपी इंसानों के लिए बताई है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद और बहुत ही ऊंचे लेवल की होती है। इसका तो क्या जवाब के साइंस भी हैरान है। यह जायके में तो बहुत अच्छी लगती ही है। ये जिस्म को खूब सेहत देती है और दिमाग, रूह और दिल को बहुत ताकत पहुंचाने वाली रेमेडी और रेसिपी है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, यहाँ तक कि डिप्रेशन और उदासी को दूर करती है और आपके जिस्म को तो कुव्वत देती ही है। इसके फ़ायदों की लिस्ट इतनी लंबी है कि वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। आप तलबीना की जो भी है इसके फ़ायदे, उसको आप गूगल पर सर्च कर लें। तलबीना से कभी भी फ़ायदा उठाया जा सकता है, पर इसे इस रमज़ान सहरी में ज़रूर खाएं। यह आपको दिन भर तरोताज़ा और खूब ताकत देने वाली है। माशाल्लाह। चलो हम शुरू करते हैं तलबीना बनाने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बनाना शुरू करते हैं। ये जौ को मैंने पिसवा लिए थे, रमज़ान में ही पिसवा लिए थे, तो कुछ पड़ रखे हुए थे, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ उसको इस रेसिपी को शेयर करूं। इसके लिए बादाम ली है और खजूर ली है, इलायची और पिस्ते। इसमें से ज़रूरी क्या है, हमको जौ ही लेना है और खजूर और शहद। ये तीन चीज़ तलबीना को बनाने के लिए ज़रूरी है। ये आप चाहो तो डालो, चाहो तो स्किप कर सकते हो। और अगर आपको ज़्यादा डालना हो और ड्राई फ्रूट्स, तो आप दूसरे ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हो। एक लीटर दूध ले लिया है। बिस्मिल्लाह। अगर आप खड़े लेना चाहते हो जो, तो उसको आप भिगा के रखो पहले से। ये मैंने इसलिए इस तरह से ये थूली के जैसे मैंने करवा लिए हैं, ताकि मैं जल्दी से रेडी कर सकूँ, उसको बना लूँ जल्दी से। जैसे सहरी वगैरह में बनाती हूँ तो उसको जल्दी से तैयार कर सकूँ। और अगर बड़े लेना है तो आप उसको एक दिन भर भिगा के रखें। हम इसे ऐड कर देंगे इसमें। इसे आप बराबर चालते रहें, ये थोड़ी तली में लग जाती है। उसको हमें आधी उठाने तक पकाना है। दूध उठा जाएगा आधा, जब तक पकाना है तब तक हम अपने ड्राई फ्रूट्स को कटिंग कर लेते हैं। ये खजूर भी माशाल्लाह मेरे पास मक्के की है, जो बिना गुठली की आती है ना, जिसमें गुठली नहीं होती है ना, मेरे पास ये है। मेरी मम्मी ने दी थी मुझे। इसको हम बारीक बारीक पीस कर लेंगे। जो बिना गुठली की आती है ना, मेरे पास ये खजूर भी है। खजूर काट ली है। आप इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर देंगे और इसको थोड़ी देर भीगने देंगे। और फिर हाथ से थोड़ा मसल लेंगे, या चम्मच से, या मिक्सर में पीसना हो तो पीस लेंगे। और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे, ताकि इसके अच्छे से मिठास घुल सके। मैंने इसको 5 मिनट रहने दिया है, हाथ से ही मैश कर ली है। मैं थोड़ा सा इसमें और दूध ऐड कर देती हूँ। इसको भी बराबर चलाते रहें, थोड़ी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसमें एक खजूर ऐड कर देंगे। इसमें शक्कर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसे मीठा शहद और खजूर से ही किया जाता है। हाँ सही बता ना तूने। गाढ़ी हो चुकी है। हम इसमें इलायची ऐड करेंगे, थोड़े ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। पूरी रेडी है। अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं।
आप बिल्कुल इसे ट्राई करें और रमज़ान में ट्राई करें, सहरी में इसे खाएं, आप इसे सहरी में बनाएं, सहरी में इसे खाएं, ये बहुत ताकत बख्शने वाली है और दिन भर आपको कुव्वत और ताकत और तरोताज़ा रखेगी। मैं इसे अब थोड़ा सा डेकोरेशन कर देती हूँ। और इसको प्लीज़ शेयर करें और इस सवाब कमाएं, और ये सुन्नत भी है खाना, तो जिस जिस को आप शेयर करोगे तो आपको सवाब भी मिलेगा। और प्लीज़ शेयर करें इसको और प्लीज़ बनाएं इसको, इस रमज़ान में बिल्कुल ट्राई करें। इस रमज़ान में मैंने भी अगले जो गया है रमज़ान उसमें मैंने खाया था, तो माशाल्लाह से मैंने पूरे रोज़े भी रखे बीमारी की हालत में। और प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और पसंद आए तो बिल्कुल कमेंट करें।